मानवर, मैं आपके अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश में चिकित्सालय प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 2 वर्ष 2019 निष्पादन लेखा परीक्षा विदिन ब्रैकेट 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदिन ब्रैकेट को संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे खंड 1 एवं खंड 2 2017-18 तथा विनियोग लेखे 2017-18 उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ। 6 मान्यवर, मैं आपके अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का राज्य सरकार के वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या 3। तो 4200 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का दूसरा यह अनुपूरक बजट है जो कि पेश किया गया है। CAA को लेकर के बहस अभी भी जारी है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहस और चर्चा जारी है, हंगामा में खूब हो रहा है। और इस बीच में 4200 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। इसको वापस प्राप्त हो गया उत्तर प्रदेश राज्य संहिता संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2018 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019, मान्यवर जी, माननीय सदस्य की बात सुनी जाए, आपका वो सदस्य है, पारित किया उसको संरक्षण आप दे सकते हैं श्रीमान। किसी भी सदस्य दिनांक 26 जुलाई 2019 को सरकार नहीं सुनती है, उसका संरक्षण आप है, आप उसकी बात सुनिए, उसका समस्या का सरकार से निराकरण करवाइए। इसके ऑपरेशन में पारित किया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद के बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के अधिवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश का राज्य सांप्रतिक अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिग्रहण विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। सिविल विधि उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 23 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश विनियोग 2019-2020 का अनुपूरक विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 24 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 जुलाई 2019 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 जुलाई 2019 को प्राप्त हो गई।
और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का पांचवा अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और सन 2019 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 26 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का नवा अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश स्टाम्प निरसन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 2 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 25 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का 11वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपने दिनांक 25 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का 12वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 26 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का 13वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था संशोधन विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 26 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त 2019 को प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का 14वां अधिनियम बन गया। उत्तर प्रदेश का राज्य संपत्ति का अनुचित प्रयोग का प्रतिषेध विधेयक 2019, जिसे उत्तर प्रदेश विधानसभा ने अपने दिनांक 26 जुलाई 2019 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने अपनी दिनांक 26 जुलाई 2019 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 5 अगस्त 2019 प्राप्त हो गई और वह सन 2019 का उत्तर प्रदेश का 15वां अधिनियम बन गया। मत संख्या प्रश्न है, एक देवता प्रश्न क्या विषय है? माननीय अध्यक्ष जी, आपसे प्रार्थना है और आपसे ही हम लोगों की सारी अपेक्षाएं। मैं जब से इस सदन में आया हूं, अगर किसी भी दल का माननीय सदस्य, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा प्रताड़ित या अपमानित हुआ है, पूरा सदन उसका साथ दिया है, पूरा सदन दोनों तरफ उसका साथ दिया है। अब माननीय अध्यक्ष हमेशा उस पीड़ित माननीय सदस्य को बात को सुने हैं और सरकार को कड़ा से कड़ा निर्देश दिए हैं कि जो अपमान हुआ है हमारे सदस्य का, वो सदस्य वो आपके हैं, सरकार के नहीं है, वो सदस्य आपके हैं। विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके मालिक आप हैं, उसके संरक्षक आप हैं, तो कड़ा निर्देश देते सरकार को, तो उसकी बातें नहीं सुनी गई। ये कभी ऐसा नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष जी, इस विधानसभा में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी पीड़ित सदस्य की बात ना सुनी जाए। पुनः आपसे मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि
उस पीड़ित माननीय सदस्य की बात को सुना जाए और आप सरकार को कड़ा से कड़ा निर्देश दे कि इस तरह का कभी भी सदस्य के साथ बदसलूकी कोई कर्मचारी अधिकारी न करे। संसदीय कार्य मंत्री जी, मनवर ये मानवर अध्यक्ष जी, इनके पास आजकल कोई काम नहीं है मानवर, और हमारे संग जो हमदर्दी नहीं, हमारे सदस्य के साथ जो हमदर्दी दिखाई मानवर, उसके लिए हम आपका हृदय से शुक्रगुजार हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप मेरे प्रति इतने विनम्र हो गए, इतनी संवेदनशीलता आप में आ गई, तो इसलिए मैं आपका आभारी हूँ मानवर। और आपने इसका संज्ञान लिया, हमने भी इसका संज्ञान ले लिया मानवर, और हम इस संबंध में बात कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग असल में आज इनके नेता लोगों ने ये कहा था कि आज हाउस चलाएंगे नहीं, तो सब लोग इस मूड में है मानवर कि हाउस में कोई काम ना हो मानवर, ये इसलिए सारे देखे सारे लोग इसी मूड में मानवर। माननीय अध्यक्ष जी, अगर इन लोगों को अगर हाउस में चलाना हो, निर्णय नहीं लेना है। माननीय सदन के मंत्री जी, आप हमारे मित्र भी हैं और आप सदन में रहते हुए ये कई बार आपके सामने भी प्रकरण आया है, इसलिए सरकार की बदनामी कोई बात नहीं है। आपके भी विधानसभा में रहते कई बार ये प्रकरण आया है कि अगर कोई सदस्य चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, अगर अपमानित हुआ है तो पूरा सदन उसका साथ दिया है और माननीय अध्यक्ष उसकी बात सुने हैं, और सुन करके माननीय अध्यक्ष कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने के लिए निर्देश सरकार को दिए हैं। इसमें आपको शर्म क्या है? हमको तो शर्म है। आपका सदस्य प्रताड़ित हुआ, शर्म हमको है, आपको नहीं। हम उनके आपको नहीं है, हमको है, हमें पूरी हमदर्दी है माननीय। हम उनसे बात करके उनकी पीड़ा जो करिए आप उनकी पीड़ा को दूर करेंगे। अगर किसी माननीय अध्यक्ष जी, अगर किसी भी सदस्य की कोई पीड़ा होगी तो हम उस पीड़ा को हम दूर करेंगे। हमारे पार्टी का मामला है, आप उसके लिए चिंता न करें माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट का मौका दिया जाए माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास कोई सूचना नहीं थी। अगर तो विधानसभा में विपक्ष का कार्यस्थगन प्रस्ताव गिरा है और इसी बीच में 4,200 करोड़ रुपयों का अनुपूरक बजट भी पेश किया योगी सरकार की तरफ से। योगी सरकार का यह दूसरा अनुपूरक बजट है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के, यानी कि CAA को लेकर के हंगामा जारी है।